वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। कल जो भी मतलब हफ्ते के दिन इंतकाल हो गया था मेरे बच्चे का, दोपहर में 3 बजे लेके जाके दफना दिए थे हम लोग। उसके बाद कल जाके बाद नमाज के हम लोग जाके देखे तो कब्र में से बच्चे को निकाल लेके चले गए थे, पूरे वर्सियाँ ऊपर रख दिए थे। उसके बाद हम जाके कंप्लेंट कर दिए तो भी अब 24 घंटे हो गए, अभी तक भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस वालों की तरफ से। हमारे को फ़ोन आया नहीं, कुछ भी इंक्वायरी का अभी कुछ भी मालूम भी नहीं हुआ, पुलिस वाले कुछ भी ये कर रहे नहीं अभी। अब उनसे क्या है, हम बोले थे उम्मीद बहुत कुछ है उन लोगों से कि इंक्वायरी करके जो भी करेंगे वो पकड़ेंगे बोल के बहुत कुछ उम्मीद है, कि अभी तक तो एक फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं आया, इंक्वायरी कर रहे सो कुछ भी नहीं आया उनका। अभी जो भी मेरे साथ हुआ वो हादसा किसी और के साथ नहीं होना बोल के बहुत हर किसी से यही है कि रिक्वेस्ट, जो मेरे साथ हादसा हुआ हर किसी और किसी के साथ नहीं होना, जो इंक्वायरी करिए जो कौन है वो उनको पकड़िए, पकड़ के उनको सजा दीजिए। कितने दिन का बच्चा था? बच्चा एक ही दिन का था भैया, उसी दिन इंतकाल हो गया था, डिलीवरी हो जाते कि इंतकाल हो गया था। जी पीएस में हम कंप्लीट करे कल करे तो अभी तक भी पुलिस वाले खाली हम करते हैं इंक्वायरी बोले ना, फोन करे ना कुछ भी नहीं। हम फोन करते हैं कल सुबह बोले थे, अभी तक फोन भी नहीं करे, 24 घंटे हो गए एक भी मतलब फोन नहीं उन्होंने हमारे पास लिए। 100 नंबर्स पे भी एक नंबर्स पे भी कॉल करके इंक्वायरी करता हूँ बोले थे, किसी के भी नामा लिखे सोलों को किसी का भी इंक्वायरी नहीं करे अभी तक। आप लोगों को कैसा पता चला कि ऐसा बच्चा ऐसा? तो वो तो हम कल गए तो मालूम हो गया भैया, जुम्मा थी ना, नमाज पढ़ के पुल उतारने के लिए गए थे हम लोग, गए तो हो गया था, जाके पुल उतारने के लिए गए, जाके देखे तो अंदर बच्चा नहीं है, ऊपर जो हम लगाते हैं वो फर्सियाँ निकाल के ऊपर रखे हुए है। अब क्या है, हुकूमत से इतना ही चाहिए कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को कौन लेके गए उन लोगों को पकड़ के क्या है मालूम सजा दिलाई है, बस इतना, जो मेरे साथ हुआ इंदा किसी के साथ नहीं होना। वो कब्रिस्तान की भी हालत जो है वो देखो आके, कोई भी आप बड़े लोग आए आके देखिए कब्रिस्तान में गलीज जानवर कब्र के ऊपर सो जाते, कब्र के ऊपर कब्र की मट्टी मुँह से काटते, वो गलीज जानवर बद जानवर उनके नाम भी नहीं ले सकते, उतने गलीज जानवर आए हो आके कब्रिस्तान की पूरी ये कर दिए, सो है ना एक कैमरा है ना कुछ है, भाई से कामा हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रहने से इंतजाम। अब मेरा बच्चा चले गया वहां से, अब खबरों में भी बच्चों को सुकून नहीं है बोले तो कहाँ मिलेगा, कब्रिस्तान में भी नहीं है बोले तो। अब इतना लापरवाही करेंगे तो बच्चे को अब कब्रिस्तान में भी अब लोगों को नहीं दफनाना पड़ता, अब ऐसे काम हो जा रहे तो अब ये जो करें उन लोगों को पकड़ के, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को कौन लेके गए मेरे को इंसाफ होना, बस हुकूमत से अकबर साहब असद साहब जितने भी है आप लोगों से मेरे को इंसाफ चाहिए। हो गया था, वहाँ पे कब्रिस्तान में दफन करे थे, वहाँ से बच्चा ही गायब है। आप लोग वहाँ से, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंक्वायरी करिए, पुलिस वाले मीडिया वाले मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ इंक्वायरी कीजिए कैसा हुआ क्या हुआ, पुलिस वाले आप अंजुमन वाले ऐसा कैसा लापरवाही होती, आप लोग वहाँ ऐसा करें तो कैसा, वहाँ पे एक कैमरा या वॉचमैन कुछ तो भी रहना था ना, अब किसके ऊपर बोल के बोलूँ मैं। आप लोग प्लीज़ मेरे बच्चे को ढूंढिए, आप लोग इंक्वायरी कीजिए, या आजू बाजू वाले खबर में भी कोई है नहीं है नहीं मालूम, हम ऐसा देखे जाके बल्कि मालूम हुआ आजू बाजू वाले भी है कि नहीं है कि वो मौत आया या खबर आनी तस्करी चल रही है क्या हो रहा। आप लोग इंक्वायरी कीजिए, पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, सलीम साहब से रिक्वेस्ट है कि इंक्वायरी कीजिए, मेरे को इंसाफ दिलाइए, आप लोग मेरी इतनी हेल्प कीजिए प्लीज़, मेरे को मेरे बच्चे को ढूंढ के दे दीजिए, बस मैं वहाँ पे है बोल के तसल्ली कर ली थी मेरे बच्चे को, वहाँ से भी मेरे बच्चे को ले लिए, मेरे को पहले अल्लाह ताला के ले लिए थे बल्कि खामो बैठ गई थी मैं, सबर करके वहाँ से भी मेरे बच्चे को ले लिए, कौन ले लिए कि अल्लाह प्लीज़ मेरे को बिता दो बता दो। मीडिया वाले आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढ के दे दीजिए, मैं वहाँ पे है बोल के तसल्ली कर ली थी, वहाँ से भी कब्रिस्तान से भी लेने की क्या जरूरत है बोलो, क्या करते वहाँ से लेके मासूम बच्चे को मेरे, किसी को क्या बिगाड़ा धोने, आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, देखिए हमारा एक दिन का बच्चा हम दफिन करें, जो है समा कब्रिस्तान में से बच्चा गायब है, आखिर हमारी पुलिस वालों का ने भी गए, पुलिस वाले भी कुछ ये नहीं कर रहे, हम लोग हुकूमत से ये कर रहे चाह रहे कि हमारे बच्चे को ढूंढो, हमारे को कैसा है ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, कौन कब्रिस्तान में से उठाते, मर गए बाद में वहाँ भी सही नहीं बोले तो आखिर दफनाएंगे कहाँ क्या करेंगे, आप लोगों से इतनी दुआ कर रहे
ये चैनल वाले सब जो है अल्लाह उन लोगों को अच्छा रखो, ढूंढो हमारे को सही कैफत दियो, आइंदा से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना, हमारे को तो हमारे बच्चे की कैफत पूरी मिलना। आप लोगों को हाथ जोड़ती हूँ, दो पैरों पड़ती हूँ मैं अकबर साहब, असद साहब, पूरी हुकूमत से मैं ये कर रही हूँ, जो है समा मेरे नवासे को ढूंढिए, प्लीज़ मेरे नवासे को ढूंढो। उस अकबट वालों को भी बोल रही हूँ, सब हुकूमत वालों को, अकबट वालों को, सबको बोल रही हूँ कि हमारे नवासे की जल्द से जल्द कुछ भी अच्छी कैफत लीजिए, वो मुर्दा भी है तो कहाँ है, उसकी कैफत लीजिए। हम लोग तो आज तक ऐसा देखे नहीं, करे नहीं, हमारे को इतना बड़ा जख्म मिला, मेरी बच्ची को इतना, वहाँ तो भी सेफ रहता बोले तो वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पूरे जानवर लौट रही, क्या आलम है कब्रिस्तान का, ना कुछ दायरा बनाने वाले है, ना गेट है, ना रूम है, आखिर कैसा होगा। प्लीज़ आप लोग उसका कुछ इंतज़ाम कीजिए, प्लीज़ असद साहब, अवैसी साहब, सबसे गुजारिश है, यहाँ तक कि अकबर से भी ये है, बाबा शरफुद्दीन का नहीं ऐसा हो रहा बोले तो आप कहीं भी सेफ नहीं रह सकते, मुर्दे भी। देखिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के दुआ कर रही हूँ, जल्द से जल्द, पुलिस वालों का नहीं गए तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, हाँ वो माँ देखेंगे, तहकीकत करेंगे, वो करेंगे, कब करते बोलिए, प्लीज़ करिए, जल्द से जल्द हमारे बच्चे को ढूंढिए। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, आइंदा किसी बच्चे के साथ नहीं होना, सब मुसलमान भाई बहन है, सब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्लीज़ आप लोग ढूंढिए, कैफत लीजिए, आखिर ये ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा, आजू बाजू के भी देखिए ज़रा, आखिर उसमें भी हड्डियाँ तो रहते ना, उसमें भी क्या है क्या नहीं, प्लीज़ आप लोगों के हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, वो भी देखिए।